मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। प्रथम दृष्टया मौत के कारणों को संदिग्ध माना जा रहा है। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। थाना प्रभारी शशिकांत चौरासिया ने बताया कि राव पीतमपुरा रोड में समीप श्रीनाथ टाउनशिप में दीवार किनारे झोपड़ी बनाकर भील समाज के कुछ लोग रहते थे। वे इलाके में मजदूरी का काम करते थे। शुक्रवार शाम यहां रहने वाले बाबूलाल निवासी धर्मपुरी धाड़ की 3 साल की बेटी संध्या लापता हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। शनिवार सुबह बच्ची का शव टाउनशिप से कुछ दूरी पर मिला। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी महेश जैन भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।